हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हमारा डे 7 हमारे स्कूल में। तो जैसा कि आपने यार पिछले एपिसोड में देखा था कि हमने स्कूल के आसपास बहुत सारी चीजें ढूंढी थी, बहुत सारी चीजें हमें मिली थी। अगर आपने यार पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो बाद में जाकर देख लेना। तो अभी अपन जाने वाले कुछ और कांड करने। तो हमने अपने स्कूल वालों के साथ यार बहुत ज्यादा कांड कर लिया, मतलब उनको रॉकेट से बांध के उड़ा दिया, उनको इतना मारा, उनके ऊपर फटाके फोड़े। पर आज हम करने वाले कुछ बाहर वालों के साथ। तो अभी तो अपन चलने वाले पहले फायर वर्क्स लेने, क्योंकि सबके सब चीजें खत्म हो चुकी, मैंने सारे सारे यार स्कूल के अंदर यूज कर दिए। तो भैया से ले लेते फटाफट से यार, ये सारे सारे एक्सप्लोजन ले लेते हैं और यहाँ से फायरवर्क्स भी ले लेते हैं बहुत सारे। तो अभी मैंने ये सब चीजें तो ले लिए, मैंने बहुत सारी ले ली ताकि यार बहुत ज्यादा मजा आ जाए। तो अभी तक हमारे यार स्कूल में एक बार भी पुलिस नहीं आई, तो मैंने एक चीज सोची जिससे यार हमारे स्कूल में आ सकती है पुलिस। तो यहाँ पे यार क्रेन पड़ी है, इसको हम यार बॉम्ब से उड़ाएंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पुलिस कंफर्म आई। और भाई मैं नीचे गिर जाता अभी तो। और ये पुलिस आ चुकी, मुझे पता है, क्योंकि यार वो जो ट्रेलर है ना यार वो है ना गवर्नमेंट का है। तो हमने इसको जैसे ही फोड़ा था यार पुलिस को पता चल चुका है वो यहाँ पे आ चुकी। तो अभी अपन चलते पहले देखते हैं कौन से वाले गेट की तरफ आई है वो पुलिस, और उनके साथ यार हम बहुत ज्यादा मजे करने वाले। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पहले यार चलते के देख लेते हैं यार वो है कहाँ पे। मुझे लगता है आगे वाले मेन गेट पे आए होंगे। और यार कहाँ पे इनकी पुलिस की गाड़ी, तो यहीं पे खड़ी है, मैं गाड़ी दिखा देता हूँ। ये रही उनकी यार कार, यहीं पे खड़ी, पर वो पुलिस वाला मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पे है, कहाँ पे, यहीं पे कहीं पे घूम रहा होगा। और ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे लगता है इनको पता चल चुका कि मैंने ही बॉम्ब फोड़ा, तो भाई यहाँ से निकलते हैं। आ जा मेरे पीछे, आ जा इन सर को यार अपन लेके चलते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह। अगर आप समझ गए तो हम इसको कहाँ लेके जा रहे, तो फटाफट जगह कमेंट कर दो। आ जाओ सर हमारे पीछे भी जाते जाओ, ये भाई तो बहुत ज्यादा तेज भाग रहे, मुझे लग रखी है इसलिए मैं ज्यादा तेज भी नहीं भाग पा रहा। और यहाँ पे बस ये आई गए, आते रहो सर, आते रहो आराम से, आते रहो आते रहो। और मेरे पास जेट पैक है, तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया करने का है। तो यहाँ पे सर आ जाओ, अरे सर आ जाओ, जाओ मेरे सामने बहुत ही बढ़िया खाई बनी हुई है, आ जाओ सर मुझे पकड़ लो। और ये जैसे चलते हैं और कूद गए, और ये सर गए सीधा अंदर खड्डे में। अरे भाई साहब क्या कितना बड़ा खड्डा है, आपने देखा भाई कैसे हमारा पुलिस वाले नीचे गिर चुके हैं और हम नहीं गिर सकते क्योंकि हमारे पास है जेट पैक। तो यार बहुत ही मजा आ गया। तो यार अभी मैं अपने बैड गैंग के सीनियर से काम मांग के आ चुका हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमको अगर बैड गैंग ज्वाइन करनी है तो यार हमें, अरे ये मेरे को क्यों मार रहा है, तो यार हमें उन सबको बात माननी पड़ती है। इसको फटाफट से मारते हैं, अरे क्यों मार रहे, रुक जा चाचा, अरे तो मारे जा रहा है भाई, तो मार ही देगा मुझे। अबे यार मैं कैसे जाऊंगा, मैं प्रिंसिपल के पास जाना है मुझे। अरे यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, छोड़ देना क्या दिक्कत है, अरे भाई क्यों मार रहा है, अरे इसको मार भी नहीं पा रहा मेरा जेट पे, अरे छोड़ दे प्लीज प्लीज, अरे मेरे पास बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है, मर जाऊंगा। मार दिया यार गेंडे ने। तो यार अभी हम वापस से आ चुके हैं। तो यार मैं अपने सीनियर, जो हमारे बैड गैंग के सीनियर, उनसे काम मांग के आ चुका। उन्होंने मुझे बोला अपने प्रिंसिपल को यहाँ से हमें उठाना है, तो फटाफट जाके इसको पहले तो उठा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको लेके कहाँ जाना है। तो इसके पास चलते हैं, इसको यार अपने गोदी में उठाने वाले, आ जाओ सर आपको घुमा के आऊँ। और ये मेरा जेट पे भी पहना हुआ है, तो आराम से उसको लेके जा पाएंगे वो भी उड़ के। तो इनको बहुत ज़्यादा दूर छोड़ के आने वाले, पहले तो यहाँ पे कोई है तो नहीं ना, चलो बहुत ही बढ़िया। इनको यार यहाँ से लेके चलते हैं, हमको लेके जाना टावर पे, और टावर है उस तरफ, तो फटाफट से लेके चलते हैं इनको और उस टावर के ऊपर छोड़ने वाले, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो अभी तक आपने यार को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है जब हम प्रिंसिपल को यहाँ के सबसे बड़े टावर के ऊपर छोड़ने वाले। तो यहाँ पे बस ये टावर आ ही चुका है, और यहाँ पे हम इनको बिल्कुल छोड़ देते, बिल्कुल यहाँ पे रख देते सर को। और ये भाई यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं तो यहाँ से उड़ के निकल जाऊँ। सर आप कैसे निकलोगे, अरे सर आप खुद यार स्कूल के बाहर हो, आप कौन से स्कूल रूल्स की बात कर रहे हो। अभी रुको, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया चीज है, इनको मैग्नेट से खींचने वाला, और बाय बाय वापस आपको स्कूल के अंदर भेज दिया। और ये जा रहे सीधा स्कूल के अंदर, और ये जा चुके। अरे भाई सब क्या ही टप्पा खा के गए भाई, भाई बॉल की तरह भाई, क्या ही मस्त गए। तो अभी अपन चलते हैं अपने अगले काम की तरफ, बताओ मुझे अगला काम क्या करना है। ओके ठीक है मैं समझ गया। तो यार जैसे कि आप सबको याद है कि पिछले एपिसोड में हम एक पोशन पी के बन चुके थे हल्क। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा, मतलब आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा, मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। तो अभी हम जाने वाले केमिस्ट्री लैब, क्योंकि वो पोशन यार वहीं पे मिलता है हमको, वो पी के हल्क बन के दो तीन बच्चों को, मतलब दो तीन बच्चों को नहीं, जितने जाए बच्चों को मार स्कूल में कुल मिला के यार दंगा मचाना है। तो फटाफट से इसको पी लेते हैं। तो अभी मैं हल्क बन चुका हूँ, मेरी आवाज़ भी ऐसी हो जाती है, देखो मैं कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ, मुझे गेट से झुक झुक के जाना पड़ रहा है। अब मुझे बड़ा हल्ला मचा रहा है अपने स्कूल में, मारते हैं इनको, ये लो हे, कितना मज़ा आता है इनको मारने में। अब मैं सबसे ताकतवर हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। ए बच्चे निकलने से, अरे वाह क्या ही शॉट मारा, सीधा कांच से बाहर निकल गया। अरे मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि खिड़की बहुत ज़्यादा छोटी है, जब मैं छोटा था तब मैं जा सकता था। अभी आपको दिखा दो मैं कितना ऊपर ऊपर जंप मार सकता हूँ। अभी
साथ झुक के चलते हैं। या ये देखो देखो कितना मजा आ रहा है इतना ऊपर ऊपर जंप मारने में। ये चलो और भी काम मांगते हैं। तो अभी मैंने अपने अगले काम की तरफ पता कर लिया है। उन्होंने मुझे बोला है मुझे मैक्स के टीचर को रॉकेट में बांधना है, तो ये जा रहे हैं मैक्स के टीचर। अरे भाई साहब इधर आओ, अरे सर इधर आओ ना, मैं इतना बड़ा हल्कू और मुझे इनको ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। अरे इनको रस्सी से बांध के मैं लेके जाने वाला हूँ, और ये मैंने रस्सी से इनको बांध दिया है। इनको फटाफट से लेके चलते हैं सीधा रॉकेट की तरफ। आ जाओ सर, अब तो मैं हल्क बना हुआ हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच सकता हूँ, मैं बहुत तेज भाग भी सकता हूँ और बहुत ऊपर कूद भी सकता हूँ। आ जाओ सर, आपको लेके चलता हूँ रॉकेट की तरफ और आपको बांध के उड़ाऊंगा और स्पेस की सैर कराऊंगा। हे मजे आएंगे, आ जाओ सर। और ये सर यहाँ पे आ चुके, इनको ऊपर लेके चलते हैं। आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी की वायर में जाओ, अभी आपको लेके चलता हूँ ऊपर। ये रहा वो रॉकेट, ये देखो कितना ज्यादा बड़ा रॉकेट है, ये सीधा स्पेस में जाता है। इनको हम सर के साथ भेजने वाले। सर तैयार हो जाने के लिए, 3 2 1 जाए, बाय बाय। और ये रॉकेट तो जा रहा है बिल्कुल सीधा। अरे ये क्या हो गया, अरे तो स्कूल की तरफ जा रहा है। और ये क्या, ये तो जाके वहाँ पे फट गया। अरे ये क्या कर दिया मैंने, स्कूल के ऊपर रॉकेट फोड़ दिया। अरे पर बहुत ज़्यादा मजा आ गया। अरे ये क्या, मेरी हल्की एबिलिटी खत्म होने वाली है। अरे मुझे जल्दी से स्कूल के अंदर पहुँचना होगा। अरे स्कूल आ रहा हूँ मैं, अरे आ गया मैं बस। अरे मैं गिर जाऊंगा, अरे यार मैं तो फिर से नॉर्मल हो गया। पर कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा मजे है यार हल्क बन के। तो अभी अपन जेट पैक पे चलते हैं वापस अपने स्कूल के अंदर। तो अभी यार मेरे पास यार बहुत सारे बॉम्ब पड़े, और आपको तो पता है हम बॉम्ब के साथ यार क्या करते हैं अगर स्कूल के अंदर हम एक बार घुस जाए तो। अभी हम फोड़ने वाले बहुत सारे बॉम्ब, और यहाँ पे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल वापस आ रहे हैं। अभी इसको टावर के ऊपर छोड़ गया था, उसको बॉम्ब फोड़ने वाले। 3 2 1 खेल ले। क्या ही बॉम्ब फटा भाई अंदर से सारी चीज। भागो भागो, अरे ये स्पोर्ट्स वाले सर वापस हमारे पीछे पड़ गए। अबे भाई निकलो ऐसे। अरे एक सेकेंड, मेरे पास तो जेट पैक है, अभी इनको जरूर तो गोल गोल चक्कर कटाते हैं। और ये इधर से आ रहे, चलो हम इधर आ जाते हैं। आ जाओ जाओ, मुझे पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। आ जाओ सर पकड़ के दिखाओ, कोई बात नहीं, आ गए। और ये सर आ गए, और ये हम वापस से उधर चले गए। आ जाओ सर वापस इधर आ जाओ, वापस आ जाओ। इनको यार मस्त यार गोल गोल चक्कर कटाने वाले, और ये वापस आ गए और हम वापस उधर चले गए। अरे सर क्या हुआ, पकड़ा नहीं जा रहा क्या? अरे भाई तो पकड़ ही नहीं पा रहे भाई इसको, क्या गोल गोल घुमा रूं मैं। अरे वापस उधर चले गए। आ जाओ सर, आ जाओ सर, आए हुए कोई बात नहीं, वापस मैं इधर आ गया। सर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे यार सर को चक्कर वक्कर नहीं आ जाए। अरे सर पकड़ के दिखाओ यार, क्या टाइम पास कर रहे हो यार, अभी तो मुझे पकड़ ही नहीं पा रहे भाई, कितने गोल गोल चक्कर कटाओगे अभी मेरे पास। रुको एक और चीज है मेरे पास, वापस आओ, आपको वापस से चक्कर कटा कहते हैं। और ये जा चुके हैं हमारे सर सीधा पार्क के अंदर जाएंगे, इतना मस्त लॉन्च किया मैंने। तो अभी अपन चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एक यार दुश्मन है जो कि यार अब उसको यार थोड़ा तबियत वबियत खराब है, तो उसको भी अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है हमारे स्कूल के। तो अभी हम इसको लेके जाने वाले, क्योंकि यार इसने मुझे बहुत ज्यादा मारा था, तो इसको हम यार बहुत ज्यादा मस्त यार बदला पूरा करने वाले। और ये सर यार वापस से आ चुके हैं। तो अभी यार यहाँ पे हम लेक की साइड आ चुके हैं, यहाँ पे मस्त ही लेक बनी पार्क के अंदर। 3 2 1 बाय बाय। और ये हमारे अपने दुश्मन को डाल दिया सीधा पानी के अंदर, वो चल भी नहीं सकता क्योंकि उसके ज्यादा तबियत खराब हो रही थी, तो वो चल तो सकता नहीं था। और यहाँ पे यार वापस यार 3 3 घोड़ा चाहिए, मतलब यार जितने दिन में रोज लेके जाते फिर यार वापस आ जाते, पता नहीं जो पुराने वाले घोड़े वापस आ जाते, पता नहीं नए घोड़े लेके जाते। पर कोई बात नहीं, अपन को तो घोड़ा मिल जाता है, इसको लेके जाते अपने स्कूल के अंदर। मतलब यार घोड़े चलाने का भी अलग ही मजा है और जेट पैक चलाने का भी अलग ही मजा है। तो अभी हम जाने वाले समुंदर की तरफ, जितने दिनों से यार मैं उधर गया नहीं, देखते हैं वहां पे क्या चल रहा है अपने घोड़े को। पानी को स्विमिंग तो आती ही होगी। अरे मैं बोली के घोड़े को तो ना स्विमिंग आती होगी। अरे घोड़े भाई ऊपर आ जा, और सामने तो एक मछली है, और एक काम करेगा स्कूल में मछली लेके चलेंगे। अरे भाई मजा आएगा। अरे भाई घोड़ा तो यार स्विमिंग ही नहीं कर रहा, अब इसको स्विमिंग नहीं आती कि मरमुरा नहीं जाए। फटाफट से मछली को अपन उठा लेते हैं और इसको लेके चलते ऊपर, और सीधा लेके चलेंगे स्कूल में। भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाले। अरे इस घोड़े को भी मेरे को लेके आना पड़ेगा। अरे घोड़ा भाई आ जाओ इधर। तो भी अपने घोड़े को भी लेके आ चुका, और इस मछली को भी लेके आ चुका हूं। तो फटाफट से घोड़े के ऊपर, अरे मैं इसको घोड़े के ऊपर भी बिठा सकता यार, क्या करूं। चलो एक काम करते हैं, इसको फेंक फेंक के लेके जाते हैं अपन वापस, इसको उठाएंगे और वापस से फेंकेंगे, फिर अपन थोड़ा भागेंगे, फिर इसको वापस उठाएंगे, फिर इसको अपने स्कूल की तरफ धीरे धीरे फेंकते जाएंगे। और ऐसे करके हम लेके जाने वाले सीधा अपने स्कूल के अंदर। अब यार बस हम पहुंचने वाले, फटाफट से इसको वापस उठाते हैं और इसको सीधा डायरेक्ट फेंकेंगे अपने स्कूल के अंदर। और ये कहीं सीधा अंदर, और अपना जेट पैक पहन लेते हैं और सीधा अंदर चलेंगे। अगर हमारे पास यार जेट पैक नहीं तो सोचो हमको पूरा पूरा घूम के आना पड़ता, पर अपने पास जेट पैक है तो बहुत ही ईजी काम हो जाता है। तो इसको पहले लेके चलते हैं, पहले पानी के अंदर डालते हैं क्योंकि मर नहीं जाए। तो फटाफट चलते हैं हमारे स्विमिंग पूल के अंदर, और अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये भाई सबके सब डर गए, अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाई, मछली तो है कुछ नहीं करती। अभी मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मेरे पास अभी बॉम्ब बचे, तो 3 2 1 ये लो कैच करो। अरे भाई भाई भाई, अरे क्या ही फटा भाई, वो तो दीवार से टकरा के वापस आ गया। तो अब यार हमारी यार मछली जल की रानी को हमने डाल दिया पानी में, और ये यहाँ पे नहीं मरने वाली। और भाई क्या ले, तो अब गाइस यार अभी इसको उठा के हम फेंकने वाले लाइब्रेरी के अंदर, सारी सारी बुकें हम गिराने की कोशिश करेंगे। 3 2 1 ये ले। अरे भाई कुछ हुआ ही नहीं भाई, भागो। और मैंने कांच तोड़ दिया, इसको भी फेंकते हैं यहाँ से, कहाँ फेंके इसको। अरे काम करते, मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है,
इस कांच से हम इसको सीधा बाहर देखने वाले। 3, 2, 1 बाय बाय। अरे भाई क्या ही कांच टूटे भाई, सोचो कितनी ज्यादा लगी होगी उसको। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट जाके कमेंट में बता देना। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो, वहां पर बैठकर मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।